हफीज रफीज अहमद चौधरी, उनका क्या है, हर साल चुनाव लड़ता है और चुनाव हारने के बाद गुवाहाटी चला जाता है और किसी का बिना पैसा कभी मामला मुकदमा वो किया है क्या? तो वो वकील है, वकील का काम है फीस लेके केस करना। पॉलिटिशियन का काम है बिना पैसा में लोगों का सेवा करना, ठीक है ना। तो ये एचआरएस चौधरी का चुनाव लड़ने का पुराना आदत है और हारने का भी पुराना आदत है उनका। वो लड़ते रहेगा, हारते रहेगा, लेकिन कृपानाथ माला चुनाव उठने से जीत भी जाते हैं। रावरी में भी जीता, करीमगंज में भी जीता और दोबारा कृपानाथ माला चुनाव जीतेगा, ये गारंटेड है। हफीज रफीज अहमद चौधरी, उनका क्या है, हर साल चुनाव लड़ता है और चुनाव हारने के बाद गुवाहाटी चला जाता है और किसी का बिना पैसा कभी मामला मुकदमा वो किया है क्या? तो वो वकील है, वकील का काम है फीस लेके केस करना। पॉलिटिशियन का काम है बिना पैसा में लोगों का सेवा करना, ठीक है ना। तो ये एचआरएस चौधरी का चुनाव लड़ने का पुराना आदत है और हारने का भी पुराना आदत है उनका। वो लड़ते रहेगा, हारते रहेगा, लेकिन कृपानाथ माला चुनाव उठने से जीत भी जाते हैं। रावरी में भी जीता, करीमगंज में भी जीता और दोबारा कृपानाथ माला चुनाव जीतेगा, ये गारंटेड है। हफीज रफीज अहमद चौधरी, उनका क्या है, हर साल चुनाव लड़ता है और चुनाव हारने के बाद गुवाहाटी चला जाता है और किसी का बिना पैसा कभी मामला मुकदमा वो किया है क्या? तो वो वकील है, वकील का काम है फीस लेके केस करना। पॉलिटिशियन का काम है बिना पैसा में लोगों का सेवा करना, ठीक है ना। तो ये एचआरएस चौधरी का चुनाव लड़ने का पुराना आदत है और हारने का भी पुराना आदत है उनका। वो लड़ते रहेगा, हारते रहेगा, लेकिन कृपानाथ माला चुनाव उठने से जीत भी जाते हैं। रावरी में भी जीता, करीमगंज में भी जीता और दोबारा कृपानाथ माला चुनाव जीतेगा, ये गारंटेड है।